मैं आदित्य कुमार त्रिपाठी को हर इल्जाम हर जुर्म से आजाद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। पूरे जीवन में एक ही तो ऐसा घर रहे जहाँ हमका हमेशा इज्जत मिलत रही। तू तो घर से हमारा रिश्ता जुड़वा कर वो इज्जत भी छीन ली। गुड़िया कछु तो बोल, फोन काहे नहीं उठावत रहे? हमका इतनी तसल्ली तो दे सकत है ना कि तू ठीक से पहुंच गई। हमका फिर से एक जबरदस्ती के रिश्ते में अकेले के बातों का तसल्ली चाहिए अम्मा। वो कम नहीं, वो कम रहे तुम्हारे खतरे। ठीक है फिर और ले लो। अब तुम्हारी बिटिया एक बहुत बड़े घर की बहू बन चुकी है। अब वो हमेशा खुश रही है और उसको कभी कोई तकलीफ नहीं आई है और यहाँ कभी उसका अपमान नहीं हुई। अब खुश हम खुश रहे न रहे तू खुश रह ले। अब तो जो हमका आदेश दे हमका माने के पड़ी ना हमका, चाहे कौनो भी दे। ठीक है तुम्हारे आदेश पर अब हम खुश भी रह लिए। इसन कहे बोल व्हाट इज रॉन्ग विद यू इमली? तुम मेरा गुस्सा अम्मा पर क्यों निकाल रही? वो तुम्हारी अम्मा ना है तो वो का अम्मा ना ही बुला सके। तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक इकलौती चीज रही जो पूरी की पूरी हमरी रही और तुम उमा भी अपन हिस्सा बना लिए। तुम हमसे हमरी अम्मा नहीं छीन सका तो सुन ले। हेलो यू टॉकिंग अबाउट तुम्हारी अम्मा मैं तुमसे क्यों छीनूंगा? मिली इस पूरे कमरे में कोई और जगह नहीं मिली तुम्हें? जमीन पर जो बैठी हो तुम जिसके रात में क्या देखो तोखा नहीं उठक बैठक कराए के तो हमसे नहीं हमरे झोले से जाके करा लो। कहे ना उनका उठे का बैठे का चलने का ना बहुत ज्यादा शौक है। व्हाट नॉनसेंस। अब क्या मैं तुम्हारे बैग से भी बात करूंगा? भी? और कौन सी बेजान चीजों से बतियावा तो तुम? उठो अभी। नहीं उठ। I said get up. नहीं। You know what? Fine. मत उठो। आज से मैं भी तुम्हें नहीं उठाऊंगा। आदित्य बाबू हम बस यही कहे के चाहत है कि जौन हुआ थे अच्छे के खातिर हुआ थे। अब आपका भी अपन कल के बारे में सोचे के चाहिए। सॉरी मिठी जी कब से इसी तरह बैठा हुआ है पत्थर बनकर। बेटा देख मिठी जी जा रही हैं हम उन्हें छोड़ने जा रहे हैं। अपना ध्यान रखना मैं जल्दी लौट के आऊं। अगर जो होता है अच्छे के लिए होता है तो जो हम करने जा रहे हैं वो भी अच्छे के लिए होगा। सबके सामने कुछ और कहे की गलती मत करना कड़पक्के। मैं गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गया। मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहता था इमली। बहुत मुश्किल से आंसू रोके हमसे और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। सबके सामने तुम्हें सॉरी भी तो नहीं कह सकता। माँ अब बताइए आगे क्या करना है? ये गांठ खुलवाई की रस्म है बेटा। ये जो धागा है ना मैं तुम दोनों की कलाई में बांधूंगी और तुम दोनों को एक दूसरे का धागा खोलना है वो भी एक हाथ से। माँ हाँ अरु की कलाई में धागा मैं बांध रखी। ठीक है और मैं अपनी इमली की ए छोटकी। हाँ जी जी नई बहू के कलाई में हमें बांधने दे, दे। अरे नर्मदा आंटी सुनिए ना इस रस्म की सबसे पहली सेल्फी मैं आपके साथ लूंगी। ओके हाँ लेकिन बेटा वो अरे वो एक कच्ची अंबिया
इतनी जल्दी सारी खटास निकल। इतना कष्ट नहीं सहा जा रहा है तो हमसे हार मान ले। और वैसे भी तेरी और मेरी बराबरी हो ही नहीं सकती। जाना था हम सिर्फ काकी माँ और अर्पिता दीदी की वजह से चुप है। हर वैसन भी आपकी बराबरी करे के खातिर ना आपका उतना गिरे के पड़े हैं जितनी गिरी हुई यहाँ पे और वो हमसे हुई है नहीं। तो आप जैसन बांधे गए धागा बांधिए पर बांधिए जल्दी। चलो अब रेस्ट शुरू करते हैं। नर्मदा जी। माँ ये लोग कौन है आपने? मैंने तो अरे हमने बुलाया है बेटा। सुख दुख में सबसे पहले पड़ोसी आते हैं। नमस्ते नमस्ते आइए ना आइए प्लीज आइए बैठे इमली तो चलो मिल लो सबसे। ये सुनीता जी हैं ये मेरी बहू इमली। खुश रहो तुम ठीक हो ना? हम ठीक हैं। इसे आज में ऐसा दर्द मिलेगा कि खुद ही घर छोड़ के भाग जाएगी। और वैसे भी इन दोनों की तो खुद ही नहीं बनती और जो बनती है वो हम बिगाड़ देंगे। ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे पूरी बोतल चढ़ा ली है तुमने? इसलिए तुम्हें मुझे एम्बैरेस करना है तुम कर सकती हो लेकिन ये मेरी माँ के गेस्ट्स हैं उनके सामने माँ को शर्मिंदा करने नहीं दूंगा तुम्हें मैं। अब अरु और इमली एक दूसरे की कलाई से ये धागा खोलेंगे वो भी एक हाथ से। आ जाओ आ जाओ। छुटकी तुम्हारी नई बहू रानी तो बहुत कमजोर निकली। इससे जब एगो कलाई का धागा नहीं खुल रहा है तो भाग कैसे खोलेगी? जीत गई हमारी इमली। अब देखते हैं अरु जीतता है या नहीं। हेल, इतना टाइट कैसे? इमली, इमली। अरे क्या हुआ सर? हे माता रानी, इमली। गाजर और गोभी के अचार में दोनों को बराबर गलना पड़ता है। दोनों में से एक भी कच्चा रह जाता है ना, तो फिर अचार का मजा बेकार। फिर कैसे चलेगा? इमली मेरी वाइफ है। बड़ी माँ अभी तो तुम्हारे शादी के लिए ना बोल रहे हैं बेटा। देखो गाट फुलाई का रसम पूरा भी नहीं हुआ और ये कच्ची अंबिया से बेहोश अंबिया बन गई। अरु देखना इसे कुछ क्या हुआ है। हो गई रसम पूरी। आपका तो पता नहीं बड़ी माँ लेकिन मैंने मेरी माँ और पापा को एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ही देखा है। मेरे लिए शादी का मतलब है जब एक कमजोर पड़ जाए तो दो सास की हिम्मत बनता है। इमली, इमली, ओपन योर आईज, लिसन, यू फाइन ओके? ओपन योर आईज, इमली, आगे खोलो अपनी। अरु क्या किया तूने? ठीक है बेटा। हाँ तुम ठीक हो? हाँ बस हूँ। काट बहुत है। इस टेस्ट में मेरे दोनों बच्चे फर्स्ट क्लास पास हुए हैं। जीते रहो।
खुश रहो तुम दोनों।